धन्यवाद। हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल लवी सिंगला व्लॉग में। लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने किस तरीके से ट्रैकिंग की बच्चों के साथ और हम लोग पहुंचे भवन तक। अभी आप देख रहे हैं सुबह का नज़ारा भवन का, काफ़ी सुंदर लग रहा है भवन। यहां पहुंचने के बाद बच्चे बुरी तरीके से थक गए थे, हम भी थक गए थे, तो हम लोग जाके मनोकामना भवन में सो गए, आराम किया। और अब समय हो गया है 9 बजे का, तो अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, नहा के तैयार हैं दर्शन करने जाने के लिए। हम लोगों ने अपना सामान जो है पार्वती भवन में जमा करा दिया है लॉकर रूम में, क्योंकि भवन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैमरा मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग जाते हैं दर्शन करते हैं और बाद में मैं आपको आके बताता हूँ कि दर्शन किस तरीके से हुए, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है हमको। सो गाइस, फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन किए और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये लाइन जो है काफ़ी लंबी लाइन थी। हम सुबह 9 बजे लाइन में लगे थे और हमारे जो दर्शन हुए हैं वो करीबन 1 से 1.5 बजे के बीच में हुए हैं। तो और ये रोपवे की जो लाइन है ये भी आप देख पा रहे हैं, तो मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था रोपवे की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रोपवे की लाइन में अगर ना लगना हो तो आप ऑनलाइन बुक करके ही आए, आपके फटाफट से दर्शन हो जाएंगे, आप जल्दी से भैरव बाबा के मंदिर तक पहुँच पाएंगे। सो गाइज, लगभग 2:30 बजे के आसपास हमारे दर्शन हो चुके हैं, भैरव बाबा मंदिर से हम दर्शन करके आ चुके हैं और अब रोपवे के द्वारा हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो भाई, मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएं तो रोपवे का इस्तेमाल जरूर करें, एक आपको नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा और हो सकता है कि आपको चक्कर भी आने लगे, क्योंकि हमारे साथ 1-2 लोगों को आ गए थे। सो भाई, समय हो गया लगभग 4 बजे और अब हम लोग नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो नीचे उतरने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी शेयर कर देना चाह रहा हूँ। तो माता रानी के भवन के पास में एक भवन बन के तैयार हुआ है जिसका नाम है दुर्गा भवन। ये भवन एक धर्मशाला के रूप में तैयार किया गया है और आप यहाँ पे निशुल्क रुक सकते हैं। ये शाम को 7 बजे के बाद आप यहाँ पे रुक सकते हैं, दिन में आप नहीं रुक सकते। लॉकर रूम की व्यवस्था भी है यहाँ पे, आपको अपना ताला लेके जाना पड़ेगा और काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं अंदर, आपको गद्दे मिल जाते हैं रुकने के लिए। यहाँ पे कोई भी आपको बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जाइए, आपको जहाँ जगह मिले आप वहाँ पर रुक सकते हैं। धन्यवाद। सो समय हो गया है 4 बजे का और हम लोग नीचे उतरने लगे हैं। आप देख पा रहे होंगे बैटरी कार चल रही है जो कि भवन से अर्धकुंवारी तक आपको छोड़ती है और 15 से 20 मिनट में आपको वहां पहुंचा देती है। कुछ दूर आगे चलते ही सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे तो मैंने भी देखा, एक हिरन जो है, हिरन है या बकरी है, कुछ इस तरीके का जानवर है जो ऊपर फंसा हुआ सा दिखा, ना वो ऊपर चढ़ पा रहा था ना नीचे उतर पा रहा था और शायद लोगों से डर भी रहा था। चलें, चलो। सो भाई, समय हो गया शाम के 4:45 का और आप देख पा रहे होंगे ये जो रास्ता है भवन के लिए जिससे हम आ रहे हैं और अर्धकुंवारी के लिए ऊपर की साइड जाना है, और नीचे नया मार्ग जो बना है ताराकोट मार्ग जिसका साइन आप बाई तरफ देख रहे होंगे, और ये मार्ग जो है आपको अर्धकुंवारी से लेके सीधा कटरा तक जोड़ता है। तो चलिए आज इस पर चल के देखते हैं मार्ग किस तरीके का है। ताराकोट वाला जो ये मार्ग है इस पे कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। कि अच्छी बात यह है कि इस पे एक तो घोड़े खच्चर वगैरह नहीं आते हैं, तो इस पे आप आराम से चल सकते हो, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। और बुरी बात यह है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि लोग होने चाहिए रास्ते पे, जयकारे वगैरह लगते हुए जब जाते हैं तो फील अच्छा होता है। अभी क्या है, देखिए आप देख पा रहे होंगे कोई है ही नहीं रास्ते में, हम ही लोग चले जा रहे हैं। बहुत देर में कुछ लोग आते हुए दिखते हैं, कुछ नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है इस रूट की। तो अगर आपको लोगों के साथ चलना पसंद है तो आपको ये रास्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और मुझे भी पर्सनली ये रास्ता इसलिए अच्छा नहीं लगा। बच्चों के लिए जो रास्ता है ना नीचे उतरने के लिए काफ़ी अच्छा है, बच्चे ना काफ़ी इंजॉय करते हुए नीचे उतर रहे हैं, फटाफट फटाफट भागते हुए आप देख पा रहे होंगे। तो नीचे उतरते हुए अभी एक चेक पॉइंट हमें दिखाई दिया है, बाकी यहाँ है कोई नहीं, खाली है अभी।
मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो रास्ता है ताराकोट वाला, ये चरण पादुका मंदिर वाले रास्ते से थोड़ा सा लंबा है, करीबन 2 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, इस रास्ते पे एक दिक्कत और है कि इस रास्ते पे ना खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी सी कम है, दुकानें कम है, शॉप कम है। अगर बच्चों के साथ आप हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, तो समय हो गया है शाम के 7 बजे का और हम लोग पहुंच चुके हैं लंगर भवन, जो कि बना हुआ है ताराकोट ट्रेकिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर पहले। मतलब अभी 2 किलोमीटर का रास्ता हमारा और बाकी है और यहाँ पे फाउंटेन के आगे हम लोग बैठ गए हैं, थके हुए थे तो पैर को थोड़ा आराम मिल गया। ये है यहाँ का लंगर भवन। तो यहाँ पर सामने प्लेट रखी होती है और वो सामने आपको लंगर दे देंगे, वहाँ से आपको लंगर लेना है और यहाँ टेबल पे बैठ के आराम से खाइए और आपकी जो झूठी प्लेट है उसको आप यहाँ पे सामने जाकर धो के रख दीजिए। तो भाई समय हो गया लगभग 8:45 पे और हम लोग पहुंच गए हैं ताराकोट। अब यहां से हमें लेना पड़ेगा कटरा के लिए ऑटो और ऑटो पकड़ के हमें जाना है त्रिकुटा भवन, क्योंकि हमारा लगेज जो है सामान वहां पे जमा है। सबसे पहले हमें त्रिकुटा भवन से सामान लेना है और उसके बाद होटल ढूंढना पड़ेगा। तो करीबन लगभग 10 बज जाएंगे। तो कुछ ऐसा है यहाँ का फ्रिस्किंग पॉइंट। चलो चलो जल्दी उठ जाओ। ओए चेतन, तेरे को क्या बोला मैंने? कोई बात नहीं, खांसी ठीक हो जाएगी, अभी चलते हैं अंदर। पहले अपना जल्दी रेडी वेडी अंदर से। तो गाइस आपने देखा हम लोग नीचे उतर के आ चुके हैं और रात को काफी लेट हो गए थे, करीबन 11 बज गए थे। इन लोगों को हमने भेज दिया था 9 बजे ऑटो में त्रिकुटा भवन, बैंक का पता करो, और हमें कुछ काम था तो हम लोग गए थे पानगंगा। और ऐसा हुआ कि त्रिकुटा भवन में नहीं मिला हमें, ना कोई डोमेट्री मिला, ना कोई कमरा वगैरह वहां मिला बिहार का वगैरह में। तो हम लोगों ने त्रिकुटा भवन के बैक साइड में ये होटल वाले हमें मिल गए, रूम दिखाया उन्होंने। तो हमने क्या रात को 11 बजे गए थे तो फटाफट से आके हम लोगों ने कमरा लिया और कमरा देखी जो आप, ये पता ही नहीं लगा कब आग लगी क्या हुआ। नहीं तो हमने खाना वाना मंगवा के यही खाया, बाहर हम गए थे होटल वाले ने हमें 12 बजे रात को खाना ला के दिया और हम लोग वही खा के फटाफट से उसके बाद पड़ गए। अभी चुके हमारी 10 बजे की ट्रेन है, सब लोग रेडी हो रहे हैं, ये रेडी है, मम्मी रेडी है, मैं रेडी हूँ, और एक वो खतरनाक सा आतंकवादी जो है पीछे वो बस कहलाने जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अभी निकलते हैं मार्केट के लिए कटरा बाजार, क्योंकि हमने प्रसाद वगैरह कुछ नहीं है वो लेते हैं फटाफट से प्रसाद, और फिर ट्रेन पकड़ेंगे, लेट ना हो जाए। लास्ट ट्रेन जो थी हमारी 6 घंटे लेट थी, आपने मतलब वहां से होते हुए लेट 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 होते ही चले गए, हम सारे कामों में लेट होते चले। सो गाइज अगर इस कमरे की बात करूं तो ये हमें पड़ा है 700 रुपये में। ऐसे हमने 2 रूम लिए हैं, कूलर था, एसी नहीं था, लेकिन हम रात को बहुत लेट हो गए थे तो हमने जो मिला वही ले लिया फटाफट। सो भाई समय हो गया सुबह के 9:30 का, हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। 10:05 पे हमारी यहाँ से ट्रेन है हप्पा एक्सप्रेस, तो फटाफट से प्लेटफॉर्म पे चलते हैं कहीं छूट ना जाए। तो यार ये ट्रेन भी लेट हो गई है, इसका जो टाइम था 10:05 था, अभी 11:07 हो गए हैं, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगी नहीं है। तो बच्चे क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, जो जैसे टाइम पास कर पा रहा है वो वैसे प्लेटफॉर्म पर टाइम पास कर रहा है अपना। अभी टाइम हो गया 11:17, अभी भी ट्रेन नहीं आई है। गलत बात है, देखते हैं पता चला।
उसको भी तो कुछ सिखा। क्या सिखाएगी इसको, छोटा तो है तो सीख नहीं पाएगा अभी। तू सीख ले, खाना नहीं पकड़। तू सीख ले पहले। बारह बज के 17 मिनट हो गए, बच्चों की लड़ाई भी ख़त्म हो गई लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ गई। तो भाई समय हो गया है सुबह के 7:30 बजे का और हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली। आप देख रहे हैं सामने है बंगला साहिब गुरुद्वारा। ट्रेन इतना लेट हो गई थी कि 3 बजे आई, और 3 बजे के बाद जब वो आई तो लेट 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 होते हुए उसने पूरा दिन निकाल दिया। जो कल रात को हम 10 बजे दिल्ली में पहुँचने वाले थे वो आज सुबह 7:30 बजे पहुँचे। अच्छा ये रहा कि हमने स्लीपर की सीट बुक कर रखी थी जो हम पूरी रात सोते हुए आए हैं। तो चलिए आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय गाइज बाय, अभी इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। बाय बाय गाइज, बाय बाय।